तो भाई ये है अपना गोल बाज़ार। अभी मैं आया हूँ गोल बाज़ार। अभी टाइम हुआ है अपना शाम का 7:34 और अभी शूट कर रहा हूँ मम्मी की फ़ोन से ही। ये गोल बाज़ार है यहाँ का, देखो रायपुर का इतनी भीड़ है, मतलब देखो गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ कुछ शॉपकीपर्स की गाड़ियाँ हैं, कुछ वो कस्टमर्स की गाड़ियाँ हैं। और चालू करते अपना आज का व्लॉग यहीं से, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग आए हैं मम्मी के दीदी के काम से, किसी के काम से आए हैं। मम्मी गई है यहाँ पर कहीं से, और चालू करते हैं आज इस व्लॉग को यहीं पर और कंटिन्यू करता हूँ। आपसे मिलता हूँ मैं उसके बाद। और अभी हिया को भी लेने जाना है, और यहाँ पर मुझे थोड़ा शर्म आ रही है व्लॉग बनाने में, जैसे कि आपको पता है कि मैं पब्लिक प्लेस में बना नहीं पाता हूँ, मतलब अभी तक इतना वो नहीं हो, यूज़ टू नहीं हो। तो चालू करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर, कितनी बार बोल दिया मैं, तो चलो कंटिन्यू करते हैं इधर से। अभी जितनी आपको गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई दिख रही है ना, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ आओगे गोल बाज़ार तो इतना ट्रैफिक रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है, हमको इतना ट्रैफिक फेस हुआ, क्या बताऊँ आपको। और ये पूरा होलसेल मार्केट है रायपुर का, बोल सकते हैं गेहूँ वेहूँ का पूरा। और बाकी मैं आपसे आगे बात करता हूँ, और भी बहुत सारी बातें पूछनी बतानी हैं आपको। चलो तो अभी मैं जा रहा हूँ भैया को लेने, और मम्मी को जहाँ तक पता नहीं है कि मम्मी के फ़ोन मैं लेके आ गया हूँ। और अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो अभी जाके घर में ढूँढेगी, फिर उनको याद होगा मेरे ख्याल से, लेकिन अभी उनको ध्यान नहीं है कि वो फ़ोन उनको मैं दिया नहीं हूँ। और अभी बस भैया को लेने निकला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ अभी एक Q&A वीडियो करने की, क्योंकि आप लोग कमेंट्स में तो इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों, लेकिन एक Q&A वीडियो शूट करने का सोच रहा हूँ। सो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी डालूंगा Q&A वीडियो के लिए, क्वेश्चन आंसर, आप उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आइडिया भी आ रही होगी, आपको दिख भी रहा होगा पूरा मेरा पेज का वो लेआउट। और फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर भी, और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब चैनल को भी, क्योंकि मैंने बहुत सारा, मतलब मैं सोचता रहता हूँ बीच बीच में, कुछ कुछ नहीं हो पाते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, सक्सेस नहीं हो पाते प्रोजेक्ट्स। एक और प्रोजेक्ट मैं अभी सोचा हूँ, अभी आपको बताना चाहिए, बता देता हूँ। चलो पहले ही आपको ले लेता हूँ, उसके बाद बता दूँगा। मैं निकल पहुँच गया हूँ शरणनगर, और मैं वही बोल रहा हूँ आपको, फ़िलहाल अभी मैं इसका नेक्स्ट सोचा हूँ Q&A वीडियो का, तो आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो, मैं डाल दूँगा इसके, इस वाली वीडियो पब्लिश होने के बाद मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर आ जाएगी, इंस्टाग्राम स्टोरी पर आ जाएगा वो क्वेश्चंस डालने का, तो आप उसमें अपने क्वेश्चन डालना और मैं उधर से लेके यूट्यूब वीडियो में अपना आंसर दूंगा। सो प्लीज़ डालना यार, मैं ऐसा ना हो फ्लॉप हो जाए मेरा, तो मेरा वीडियो नहीं बनेगा। सो मैं बोलता रहा हूँ डालना आपको, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो डाल सकते हो, मैं पहुँच गया बस ना। चलो चलते हैं, वेट करिए क्या। सो मैं रोज़ रोज़ नहीं दिखाऊंगा आपको, रोज़ दिखाता ही हूँ, फालतू वो मतलब नहीं रहेगा। चल रही अपनी शाम की भेल, और ये अपना नाश्ता, ये बैठी है, इसको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसको लगता है कि इसकी वजह से मेरे ब्लॉग चल रहा है, तो इसकी गलत फैमिली थोड़ी दूर कर देते हैं। अरे यार, क्योंकि मैं सच्चाई बोल देता हूँ, मेरे को मैं रखता नहीं हूँ, और इसको ये झूठ बोल रही थी, मतलब यार बोली, मतलब झूठ बोल रही थी, तो वो छोड़ो और चुप करो बोल रही है, तो आप चुप मत करो। और कल राखी थी, और मैं वो कल का ब्लॉग तो मैं बनाया नहीं, और अभी का दिखा देता हूँ मैं जो राखी बांध रहा हूँ। सो ये मेरे को राखी बांधे ऑलमोस्ट कितनी 10-12 है, और आपको दिख नहीं रही होगी, नहीं 10-12 है, उससे ज़्यादा नहीं है। हाँ एक उधर उतरी हुई भी है, ये तो ऑलमोस्ट 13 राखी है। और आपको मैं जो बोला कि वो Q&A वीडियो वाला, तो वो भी आप देख लेना और कर देना उसमें। और एक मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ये बैठी है अभी, इसके सामने सब खोल दूंगा तो इसको पता पड़ जाएगा। सो आपको मैं एक बात बताता हूँ आज की, मैं इसको भी कोई व्लॉग अपना अपलोड पब्लिश करने से पहले नहीं दिखाता हूँ, ना मैं इसको एडिटिंग टाइम बैठाता हूँ, कुछ नहीं दिखाता हूँ इसको। अभी ये मम्मी की फ़ोन में है तो भी देखती नहीं है, नहीं वही खाएंगे, ठीक है। व्लॉग बना रहा हूँ, हो सकता है आपको कुछ देखने को मिले। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि वो मेरे चैनल से रिलेटेड नहीं है, और हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है नहीं आए। सो
अभी चल रही है बात, कंफर्म नहीं है। कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको एक बार उसका भी वो दे दूंगा, बता दूंगा आपको कि कंफर्म हो गया है। और अपन जिम भी हो आए थे आज, और उसके बाद आज था अपना एप्स। सो एप्स मैं ऐसे कभी सेट, कभी थर्सडे कभी फ्राइडे मारता हूँ, अलग अलग डे। तो कल तो जैसे राखी थी तो छुट्टी थी जिम की, नहीं तो मैं तब भी चले जाता, और कल छुट्टी थी तो आज एप्स मारे। मेरे ख्याल से जो भी जिम जाते हैं वो रिलेट कर सकता है कि अपने को सबसे ज़्यादा जो वो लगता है, मतलब मन नहीं करता जाने का डे, वो है लेग्स डे। कई कई तो मैं जानता हूँ जो महीने में एक बार भी मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर एक्सरसाइज को इक्वली करना चाहिए। मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि मैं खुद बाइसेप ज़्यादा करता हूँ, लेकिन हर एक्सरसाइज को इक्वली करना चाहिए, क्योंकि हर आपके मसल को ग्रोथ चाहिए और सब रहता है। इतना मेरे को भी नॉलेज है नहीं तो मैं आपको ज़्यादा दे नहीं सकता। और ये देखो, ये पीछे बैठ के हंस रही है मेरे सामने, क्योंकि इसको खुद को कुछ पता है नहीं, लेकिन हंस रही है पता नहीं क्यों। सो और आप मुझे ये बताना कि ये छोटे बाल कैसे लग रहे हैं, क्योंकि कई लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि छोटे बाल में ज़्यादा सही लगता हूँ मैं। आप लोग बड़े बाल भी देखे हो, मतलब तब से व्लॉग बना रहा हूँ मैं। आप पहले व्लॉग्स में जाके देख सकते हो, जो 5-6-7 महीने पहले के व्लॉग्स थे, 5-6-7 महीने नहीं, 1-2 महीने 3 महीने के पहले व्लॉग्स देख सकते हो, उसमें भी बड़े थे बाल। सो वो भी एक बार कमेंट में बताना। और कोलैबोरेशन भी चल रहा है, ये मेरे चैनल का फर्स्ट कोलैबोरेशन होगा अगर हुआ तो। सो मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं बोला पहले बता दूं कि बात चल रही है, ऐसा से कुछ है। सो चल रहा है कुछ कुछ, आप वेट करो, हो सकता है आपको जल्दी देखने को मिले। और बाकी तो आपको बताइए सब। अभी बज रहा है सुबह का 11। अरे बाप रे, यहाँ तो कपड़े पड़े। अभी बज रहा है सुबह का 11 और मौसम अच्छा हुआ, हल्की बारिश पहले गिर चुकी है, अभी भी हल्की गिर रही है, नहीं अभी नहीं गिरती है। तो आप देख सकते हो मौसम कैसा है, मौसम तो सही है। और अभी अपना टाइम हो गया है क्लास जाने का, क्योंकि टाइम हो गया है 11, और चलते हैं अभी क्लास। अभी मैं आ गया हूँ अपने टेरेस पे, ये इंडियन फ्लैग लगाने। सो खोलते हैं अपने इस लॉक को पहले, उसके बाद लगाते हैं ये फ्लैग को, जैसा कि मोदी जी ने भी बोला है। तो आपसे मैं लॉक खोल के मिलता हूँ। सो अभी दोपहर का टाइम है, आज है संडे, ये व्लॉग तीसरा दिन कंटिन्यू हो रहा है, मेरे ख्याल से थर्ड डे ही है ये। हाँ थर्ड डे ही है। सो अभी मेरे को ये मम्मी की फ़ोन वापस चार्जिंग में लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये 8% ही है। और मुझे उस दिन एक नया फीचर पता पड़ा, मतलब फ़ीचर तो नया नहीं है लाइव के बारे में, मतलब पता नहीं पड़ा। मैं लाइव जाने की कोशिश किया, मैं बोला आप लोग से जो अभी एक्टिव होंगे यूट्यूब में वो लाइव ज्वाइन कर लेंगे, तो कुछ चिट चैट करेंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लाइव कभी कभी मतलब करते रहूँगा, हर वीक में या कभी करते रहूँगा। सो मैं उस दिन लाइव जाने की कोशिश किया, तो उसमें दिखाया आपको लाइव 24 आवर पहले, मतलब आप लाइव दबाओगे ना अभी, आप पहले कभी नहीं किए हो यूट्यूब पे लाइव, तो आपको पहले वो करना पड़ता है, 24 आवर उनको देना पड़ता है एक्टिव होने के लिए क्या, ये चीज़ मेरे को पता पड़ी। और पहली बात मुझे ये भी पता पड़ी कि जब तक आपकी 50 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक आपको लाइव जाना नहीं, लाइव नहीं ऑन होगा, ऐसा फीचर है कुछ। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ये वाला नहीं पता था कि 50 फॉलोअर्स होंगे तभी आपको, क्योंकि अपने तो 100 हो चुके लोग के सपोर्ट की वजह से। सो ये भी बताना, 107 है शायद अभी तो ये बताना। और आज संडे है, आज दोपहर है, अभी दोपहर हो रही है, 2-3 बज रहे होंगे। अभी अपन खाना खाएंगे और वीडियो तो अपनी चलती रहती है, मैं तो यूट्यूब वीडियोस में भी देखता रहता हूँ, इंस्पिरेशन सबसे लेता रहता हूँ, जो अच्छा लग जाए वो उनसे। सो अभी चलते हैं और आपको दिखाते हैं बाकी पूरा दिन। अभी मैं आ गया हूँ अपने टेरेस पे, ये इंडियन फ्लैग लगाने। सो यहाँ पे लगा है लॉक, अभी फ्लैग को रखते हैं साइड में अपने और इसको लॉक को खोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं फ्लैग को। सो गेट खोलते ही इतना अच्छा, इतनी अच्छी हवा चल रही है कि झंडा लहरा रहा है, आप देख सकते हो। और इसको लगाते हैं, यहाँ लगाना सही रहेगा नहीं, इसको लगाता हूँ मैं आगे, आगे लगा के देखते हैं, अगर यहाँ लगता है तो मैं देखता हूँ लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे हमारा फ्लैग लग चुका है और व्यू भी सही आ रहा है, बस बीच बीच में थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है वो, मैंने वाईफाई में क्या वाईफाई की वायर थी उसमें थोड़ा सा सेटिंग करके लगाया, जो वाईफाई की वायर लगा के गए थे
उसमें एक फंसाने का था, हुक टाइप का उसमें लगाया है, तो उस वजह से थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, पर गिरेगा नहीं क्योंकि सही फिट लगा है और सही दिख रहा है। यहाँ से भी व्यू भी सही आ रहा है आपको, सबको दिखेगा भी हमारे घर का, मतलब सही भी दिख रहा है। और बस थोड़ा सा वायर वायर में कभी अटक जा रहा है, लेकिन फ्लो भी आ रहा है तो निकल भी जा रहा है। और मेरे ख्याल से और किसी घर में भी लगा नहीं है, मुझे तो दिख नहीं रहा। हाँ, एक घर में दिख रहा है ये फ्लैग, और किसी घर में तो दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से। और हर किसी को लगाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है हर घर तिरंगा, क्योंकि वो कुछ ऊपर सेटेलाइट से फोटो लेंगे तो उसमें दिखेगा कुछ बना हुआ, वो बता रहे थे, वो बाद में पता पड़ेगा, तो वो दिखेगा। हर किसी को लगाना चाहिए हर घर तिरंगा। और अपना 75 ईयर कंप्लीट हुआ अभी, होगा मतलब हो गया, आप जब ब्लॉग देख रहे होगे, सो यह लगाना चाहिए। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले ब्लॉग में, टिल देन।